आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। बंद मीलों को लेकर चिंतित हूँ, सीएम योगी से हुई है बात। कानपुर कपड़ा कमेटी के शताब्दी समारोह में बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक शेर से लड़ने को इकट्ठा हुआ भेड़ियों का झुंड। विपक्षी एकता पर योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल का तंज। इनकम टैक्स की रेड में कानपुर के ज्वेलर की BMW कार से मिला 12 किलो सोना, करोड़ों की टैक्स चोरी का दावा। गरीब ब्राह्मणों को आवास, फ्री राशन सहित पुरोहितों को 5000 गुजारा देगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में मानसून के दायरे में आया यूपी। आगरा, फिरोजाबाद समेत 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 26 साल बाद बेटे के साथ पर्दे पर फिर दिखेंगी राम तेरी गंगा मैली फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को राहत, अब यूपी में गर्मी की छुट्टी 2 जुलाई तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश में महंगा हुआ दिल्ली से देहरादून का सफर, 10 रुपए तक बढ़ा टोल टैक्स, जाने क्या रहेंगी नई दरें। यूपी के एक और माफिया पर कसा शिकंजा, विनोद के भाई के मकान पर चला बुलडोजर। एनडीए को उखाड़ फेंकेगा पीडीए, अखिलेश बोले 2024 में होगा भाजपा का सफाया। आगरा मेट्रो स्टेशन होगा हाईटेक, संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस CCTV। उत्तर प्रदेश में भरी हुकार, पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस दिन लखनऊ में जुटेंगे यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारी, जाने पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री की रैली में उतरवाए गए कपड़े, कार्यकर्ताओं ने लोगों को गेट पर रोका, नंगे बदन दिया गया प्रवेश। बनारस समेत यूपी के 16 जिलों में चलेगा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, अब तक दुनिया के 13 देश कर चुके हैं सम्मानित। उत्तर प्रदेश में आज से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाएगी आप, 2 जुलाई को निकालेगी लालटेन जुलूस। जाने माने योग गुरु योगी सत्यम को जान से मारने की धमकी, युवक ने वीडियो जारी कर कहा मार दूंगा गोली। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के काफिले की गाड़ी पलटी, ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी सहित 5 लोग घायल। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में महिलाओं व नए उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन, यह है योजना सीएम योगी ने बताया। खाने में मांस का टुकड़ा मिलने पर बेस मैनेजर सस्पेंड, ट्रेन में यात्री ने छोले का किया था ऑर्डर, शिकायत के बाद IRCTC ने लिया एक्शन। अब लागू होगा नया नियम, दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली, सरकार उठाने जा रही कदम। महाराष्ट्र में एक बार फिर औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी, ओवैसी की रैली में लगे नारे। अब यूपी में आधार अपडेशन के लिए 4 दिन, पता समेत अन्य जानकारी करवा सकती हैं अपडेट, 14 सितंबर तक बड़ी तारीख। चलिए एक एक करके जो बड़ी खबरें हैं उनको जानते हैं विस्तार से। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दी। एक शेर से लड़ने को इकट्ठा हुआ भेड़ियों का झुंड, विपक्षी एकता पर योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल का तंज। यह बताने की अबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि एक शेर से लड़ने के लिए भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हुआ है। आजमगढ़ में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में अबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि सपा ने मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखना बंद कर दी। आजमगढ़ में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश के अबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हुआ है, जनता 2024 के चुनाव में विपक्ष को स्पष्ट जवाब देगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वैसे दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इनकम टैक्स की रेड में कानपुर के ज्वेलर की BMW कार से मिला 12 किलो सोना, करोड़ों की टैक्स चोरी का है दावा। जिया बता दें कि कानपुर में बुलियन, ज्वेलरी और रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर 4 दिन से डेरा डाले आयकर टीमों को बड़ी सफलता हाथ लग गई। टीम ने शहर के सबसे बड़े सोना कारोबारी राधा मोहन पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ज्वेलर के मालिकों की BMW कार से 12 किलो सोना बरामद किया है। बरामदगी ऐसे हुई है जब माना जा रहा था कि कार्रवाई खात्मे की ओर है। सोना फिल्मी अंदाज में कार की पीछे वाली सीट के नीचे छिपाया गया था। बरामद सोने की कीमत 7,22,00,000 से ज्यादा बताई जा रही है, करोड़ों की टैक्स चोरी का दावा किया जा रहा है। गरीब ब्राह्मणों को आवास, फ्री राशन सहित पुरोहितों को 5
5,000 गुजारा भत्ता देगी सरकार। यहां बता दें कि ब्राह्मण परिवार के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिवेश हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। राजनीतिक दल वोट लेने को आ जाते हैं लेकिन ब्राह्मणों के लिए कोई कुछ नहीं करता। उन्होंने पुरोहितों को 5,000 गुजारा भत्ता देने और स्वर्ण आयोग बनाने की मांग की। वे प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि उन्होंने कहा कि गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को दलितों के समान छात्रवृत्ति और स्कूल में दाखिला मिले। आरक्षण जाति विशेष पर न होकर आय आधारित होनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को आवास, फ्री राशन, लाल कार्ड, ग्राम सभाओं में रोजगार, पट्टे की भूमि समेत दलितों के समान सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। क्या दोस्तों आप भी इनकी बातों से सहमत है? ब्राह्मणों को ये सभी सुविधाएं देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। मानसून के दायरे में आया यूपी, आगरा, फिरोजाबाद समेत 11 जिलों में अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरे यूपी को अपने दायरे में ले लिया है। मौसम विभाग ने सोमवार को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जालौन और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा बांदा, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को राहत, गर्मी की छुट्टियां 2 जुलाई तक बढ़ी। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों को राहत दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सभी प्राथमिक स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया है। यानी अब राज्य में सभी प्राथमिक विद्यालय 3 जुलाई 2023 को खुलेंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष शासन ने 20 मई 2023 से 15 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था लेकिन गर्मी के प्रकोप को देखते हुए इसे 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर छुट्टियों को 2 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आज 26 जून 2023 को नोटिस जारी कर दिया है। मांगा हुआ दिल्ली से देहरादून का सफर, 10 रुपए तक बढ़ा टोल टैक्स, जाने क्या रहेंगी नई दरें। जी बता दें कि दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों के लिए वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा और NHI ने आज टोल टैक्स की नई दरें जारी कर दी हैं। दरों में 5 से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि कार और जीप वालों को राहत देते हुए टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। यूपी के एक और माफिया पर कसा शिकंजा, विनोद के भाई के मकान पर चला बुलडोजर। जी बता दें कि माफिया विनोद उपाध्याय के भाई संजय उपाध्याय के गुलरिया के मुगलाहा स्थित मकान को बुलडोजर लगाकर जमीन दोस्त करा दिया गया। रंगदारी और कब्जे के मुकदमे में फरार चल रही 25,000 रुपए के इनामी संजय उपाध्याय के खिलाफ यह कार्रवाई GDA ने बिना मानचित्र मकान बनवाने पर की है। जमीन मकान की करीब कीमत 2 करोड़ रुपए है। आगरा मेट्रो स्टेशन होगा हाईटेक, संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेस CCTV। जी बता दें कि आगरा में मेट्रो की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्टेशनों की निगरानी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लेस CCTV कैमरे लगाए हैं। कैमरे स्टेशनों की निगरानी के साथ संदिग्ध या अप्रिय स्थिति की पहचान खुद ही स्टेशन कंट्रोलर सहित दूसरे अधिकारियों को खबर देंगे। हुंकार रैली, पुरानी पेंशन बहाली के लिए इसी दिन लखनऊ में जुटेंगे यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारी। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय वाणिज्य कर्मचारी सहित शिक्षक व पेंशनर्स एक मंच पर आ गए हैं। बता दें कि मंगलवार को चारबाग रेलवे स्टेडियम में 1 लाख कर्मचारी हुंकार रैली में शामिल होंगे। इसमें रेलवे, डाक, PWD, शिक्षा, विद्युत सहित तमाम विभागों के कर्मचारी होंगे। रैली की जोर शोर से तैयारी चल रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र हुकार रैली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपदीय रथ यात्रा के बाद पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच की प्रस्तावित हुकार महारैली में प्रदेश भर से आ रहे कर्मचारी के वाहनों के लिए 3 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पानी के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। बनारस समेत यूपी के 16 जिलों में चलेगा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, PM मोदी करेंगे शुभारंभ। जी हां, सिकल सेल रोग जो कि खून संबंधी एक अनुवांशिक बीमारी है, अब इसके उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से करेंगे। इसके बाद बनारस समेत प्रदेश के 16 जिले चिन्हित किए जाएंगे। इन सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा और ये जिले जनजातीय बाहुल्य हैं। बता दें कि ब्लॉकवार चलने वाले इस अभियान में लोगों को बीमारी के कारण व बचाव के उपाय भी बताए जाएंगे, साथ ही जरूरी जाँच और इलाज भी किया जाएगा।
पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। अब तक दुनिया के 13 देश कर चुके हैं सम्मानित। यहाँ बता दें कि मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय दौरे का आज तीसरा दिन है। उन्हें राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, किसी मुल्क का 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत की थी। तब मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल ने इसकी स्थापना की थी। बता दें कि 1953 में राजशाही खत्म होने और मिस्र के गणतंत्र बनने के बाद देश के सर्वोच्च सम्मान के रूप में ऑर्डर ऑफ द नाइल का पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो में महिलाओं व नए उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन, ये है योजना। जी, उत्तर प्रदेश सरकार कारोबार में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में पहली बार प्रस्तावित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हर जिले से 4 उद्यमियों को शामिल किया जाएगा। इनमें 2 महिला उद्यमियों को प्राथमिकता पर शामिल करने को कहा गया है। बता दें कि राज्य सरकार इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 21 से आज तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रही है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताजा अपडेट के लिए यूपी खबर जानकारी को भी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।